वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। फसल बीमा प्रीमियम का 100% मध्य प्रदेश सरकार भरेगी। मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में लघु सीमांत व वनवासी कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजना में आवश्यक संशोधन की तैयारी में है। इन किसानों के प्रीमियम का 100% खर्च सरकार वहन करेगी, साथ ही नुकसान की स्थिति में किसान को तत्काल राहत मिल सके इसके लिए आपदा राहत के प्रावधान RBC 6 को फसल बीमा क्लेम से जोड़ने के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की हर किसान तक फसल बीमा का लाभ पहुंचाने की मंशा के अनुरूप योजना को अंतिम रूप देने में अधिकारी जुटे हुए हैं। छात्रों को स्कूल में प्रवेश दिलाने अब हेडमास्टर लेकर जाएंगे TC और रिकॉर्ड। कोरोना संक्रमण से स्कूली बच्चों को बचाने और मिडिल से नवीं में प्रवेश दिलाने का जिम्मा जिले के हेडमास्टर्स ने संभाल लिया है। मिडिल की परीक्षा पास करने के बाद अगर नवीं में स्कूली छात्र प्रवेश लेना चाहता है तो घर बैठे ही उसका संबंधित हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में प्रवेश हो जाएगा। इसको लेकर मिडिल के हेडमास्टर्स को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जिले के 411 मिडिल स्कूल्स में परीक्षा पास कर चुके छात्र अब 126 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल में एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। जिले में अभी हाल में 32,000 से अधिक छात्र छात्राएं 126 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब कोविड काल में करीब 1500 से अधिक मिडिल परीक्षा पास कर चुके छात्रों को नवीन एडमिशन इन स्कूल्स में दिलाने की तैयारी शिक्षा विभाग कर रहा है। MET प्रवेश में आयु सीमा की छूट बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ ने MET में प्रवेश की आयु सीमा बढ़ाने की मांग की है। संघ द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रदेश के समस्त प्रशिक्षण संस्थानों में शासकीय शिक्षकों के लिए BED MET प्रशिक्षण हेतु प्रवेश में आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित कर दी गई। 1 से 1.5 साल पीछे चल रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रोजेक्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित नगर निगम के 4 प्रोजेक्ट तय समय सीमा से 1 से 1.5 साल पिछड़ गए हैं। इस वजह से विस्थापित होने वाले लोगों को ट्रांजिट हाउस में दिन गुजारना पड़ रहा है। चीटी की चाल से चल रहे इन प्रोजेक्ट में गति लाने के लिए खुद निगमायुक्त प्रतिभा पाल को नए सिरे से समय सीमा करवानी पड़ी है। जो प्रोजेक्ट ज्यादा पिछड़े हैं उनमें भूरी टेकरी, देवगुराड़िया, बुढ़ानिया और बुढ़ानिया एक्सटेंशन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। इंदौर बैतूल हाईवे पर जमीन की रजिस्ट्री पर लगी रोक। इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए इंदौर से हरदा के बीच आने वाली बागली तहसील की सीमा करनावत से लेकर खेड़ा खाल के लगभग 40 किलोमीटर के मार्ग पर 14 गांव के 100 से अधिक खाता नंबर की भूमि जो नेशनल हाईवे के प्रस्तावित मार्ग के आसपास आ रही उनकी रजिस्ट्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई। अनुविभागीय अधिकारी अरविंद चौहान ने बताया कि इससे भूमाफिया और जालसाजी कर सौदे होने पर रोक लगेगी। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोरोना मुक्ति का संकल्प, एक दिन में लगेंगे 10 लाख टीके। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में 10 लाख टीके लगाए जाने का ऐलान किया। शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को कहा कि योग दिवस के मौके पर सोमवार को प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान शुरू किया जाएगा। प्रदेश की BJP सरकार की ओर से ये दूसरा प्रयास है जब टीकाकरण में तेजी के लिए इस तरह का अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर लगातार कम हो रहा है और ऐसे में ये अभियान उसमें जंग में और अहम साबित होगा। मध्य प्रदेश में NCC का ऑनलाइन योग कार्यक्रम। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं। कोरोना महामारी के बीच योग के महत्व को आमजन बेहतर तरीके से जान गए हैं। यही कारण है कि ऑनलाइन योग दिवस मनाने में बड़ी संख्या में लोग हिस्सेदारी के लिए तैयार हैं। नेशनल कैडेट कोर ने ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया। मध्य प्रदेश के NCC मुख्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के हारे हुए वफादारों का बढ़ रहा इंतजार। 22 जून को फिर MP आ रहे महाराज। 22 जून को MP दौरे पर आ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश में 3 दिनों तक रहेंगे। इस दौरान वो गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, सिरोंज और भोपाल में रहेंगे। वहीं BJP प्रदेश कार्य समिति की पहली मीटिंग 24 जून को भोपाल में है। BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा इसका शुभारंभ करेंगे। विष्णुदत्त शर्मा के BJP अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार MP में BJP कार्य समिति की बैठक हो रही है। ये मीटिंग कोरोना की वजह से वर्चुअल होगी। 30 जून तक करा लें रजिस्ट्री, मिलेगा दोहरा लाभ।
यदि आप नई संपत्ति खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। 30 जून तक अगर आप मकान, प्लॉट, खेती की जमीन की रजिस्ट्री अपनी बहन, पत्नी, बेटी के नाम से करा रहे हैं तो आपको 2% की छूट दी जाएगी। ये छूट रजिस्ट्री के लिए लगने वाले 3% पंजीयन शुल्क में दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 3% की जगह 1% ही पंजीयन शुल्क लगेगा। इस तरह शहरी क्षेत्र में होने वाली रजिस्ट्री 12.5% की जगह 10.5% पर होगी। इससे 1 करोड़ रुपए की संपत्ति पर करीब 2 लाख रुपए की बचत होगी। सब्जियों के दामों में अभी और आएगी तेजी, बढ़ेंगे आलू प्याज के रेट। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का असर अब सब्जियों की कीमतों पर पड़ने लगा है। इसके साथ ही कई राज्यों में तेज बारिश होने की वजह से सब्जियों की कीमतों में तेजी के आसार बन रहे हैं। देवी अहिल्याबाई होलकर फल और सब्जी थोक मंडी में प्याज 25 से 26 रुपए पर पहुंच गया। वहीं खेरची में ये 35 से 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। आलू थोक में 13 से 15 रुपए किलो पर है, जो खेरची में 20 से 25 रुपए किलो बिक रहा है। टीकाकरण का महाअभियान आज, लकी ड्रॉ में मिलेगा टीवी, फ्रिज, कूलर, बर्तन। टीकाकरण महाअभियान आज से शुरू हो रहा है। एक दिन में 60,000 लोगों को टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा गया है। टीकाकरण महाअभियान पहली बार निर्वाचन की तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सेक्टर अधिकारी अपने निर्धारित केंद्रों पर निरंतर भ्रमण करते हुए टीकाकरण की व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित कराएंगे। आज टीकाकरण कराने वाले 50 लोगों को पुरस्कार भी मिलेगा। इन 50 लोगों के लकी ड्रॉ निकाले जाएंगे, जिन्हें टीवी, फ्रिज, कूलर, बर्तन आदि का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह से टीका लगाने में अच्छा प्रदर्शन करने वाले दल को 25,000 रुपए का प्रथम पुरस्कार दिया जाएगा। खाने के तेलों में नरमी, सरसों और रिफाइंड तेल लुढ़के। महीने भर पहले तक खाने के तेलों के दामों में खासा उछाल देखने को मिला था। पिछले 5 दिनों में तेलों की धार नीचे आने लगी है। आलम यह है कि सरसों के साथ साथ रिफाइंड तेल के दाम भी लुढ़क गए। रिफाइंड तेल पर 15 रुपए तो सरसों का तेल 10 रुपए लीटर तक सस्ता हो गया। तेल कारोबारियों की माने तो आने वाले दिनों में तेल के दाम और भी कम होंगे, क्योंकि फिलहाल इसकी मांग में कमी बनी हुई है। शहर में रोजाना 100 टन तेल की खपत होती है। इसमें 40% सरसों का तेल, 40% रिफाइंड और 20% पॉम ऑयल, मूंगफली का तेल आदि बिकते हैं। 1 जुलाई से लागू हो रहा नया श्रम कानून, अब इस सरकारी पोर्टल पर मिलेगी प्राइवेट नौकरी की पूरी जानकारी। प्राइवेट सेक्टर में नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए नया श्रम कानून राहत भरी खबर लेकर आया है। नया श्रम कानून आने के बाद सभी प्राइवेट कंपनीज में खाली पदों की जानकारी दी जा रही है। अगर आप भी प्राइवेट नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आप सरकारी प्लेटफॉर्म नेशनल करियर सर्विस पोर्टल पर जाकर प्राइवेट नौकरी से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर की किस कंपनी में कितनी वैकेंसी है और किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ये सारी जानकारियां आपको NCS पोर्टल पर मिल जाएंगी। NCS के आने के बाद प्राइवेट नौकरी की तलाश में लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर नहीं भटकना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल के बड़े दामों पर राहुल ने फिर कसा तंज, कहा मोदी सरकार ने टैक्स वसूली में PhD कर ली। पिछले साल मोदी सरकार ने मार्च में देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान किया था, उस वजह से आम आदमी के सामने तमाम मुश्किलें खड़ी हो गईं। धीरे धीरे हालात पटरी पर आ रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर ने बची उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जनता को लग रहा था कि सरकार इस मुश्किल वक्त से निकलने में मदद करेगी, लेकिन उल्टा सरकार की ओर से टैक्स का बोझ लाद दिया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को 4 लाख का मुआवजा देना संभव नहीं। केंद्र सरकार ने कहा कि देश में अब तक कोरोना संक्रमण से 3,85,000 मौतें हुई हैं और हर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देना संभव नहीं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर केंद्र सरकार की तरफ से दाखिल हलफनामे में ये बातें कही गईं। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी तक देश में कोरोना से 3,85,000 मौतें हो चुकी हैं और ये संख्या बढ़ सकती है। ऐसे में प्रत्येक परिवार को मुआवजे के रूप में 4-4 लाख रुपए देना संभव नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को सुबह 6:30 बजे संबोधित करेंगे पीएम मोदी। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को पीएम नरेंद्र मोदी सुबह करीब 6:30 बजे से संबोधित करेंगे। इस बार योग दिवस का थीम तंदुरुस्ती के लिए है। बता दें कि कोविड-19 महामारी और सामूहिक गतिविधियों पर लागू प्रतिबंधों के मद्देनजर इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित होने वाला प्रमुख कार्यक्रम एक टेलीविजन कार्यक्रम होगा। इस टीवी कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए, आज 21 जून को हम 7वां योग दिवस मनाएंगे। इस साल का थीम योगा फॉर वेलनेस है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग का अभ्यास करने पर केंद्रित है। SBI ग्राहक को ध्यान दें, 1 जुलाई से होने जा रहे ये बदलाव। देश का सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1 जुलाई 2021 से नियम लागू करने जा रहा है। ATM और बैंक ब्रांच से पैसे निकालने के सर्विस चार्ज में बदलाव किया गया, यानी कि ATM से कैश विड्रॉल, बैंक ब्रांच में चेकबुक के जरिए विड्रॉल और अन्य नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर लागू होंगे, यानी कि आपको ज्यादा पैसा देना होगा। सस्ते पेट्रोल के लिए आया एक्सिस बैंक का ये स्पेशल कार्ड, मिलेगा जबरदस्त कैशबैक।
पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और हर कोई बढ़ती कीमतों से परेशान है। अगर आप चाहते हैं कि इस दौर में आपको सस्ते में पेट्रोल डीजल उपलब्ध हो तो एक्सिस बैंक पेट्रोल की खरीदारी को लेकर एक खास कार्ड लेकर आया है। ये कार्ड उन लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है जो पेट्रोल डीजल पर काफी खर्चा करते हैं। एक्सिस बैंक के स्पेशल कार्ड का नाम है एक्सिस बैंक इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड। दरअसल एक्सिस बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर ये कार्ड लॉन्च किया है, जिसे अगर आप एक कार्ड के जरिए पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो आपको काफी कैशबैक मिलता है। दुबई ने भारत समेत अन्य देशों से आने वालों को दी यात्रा प्रतिबंधों में छूट, जानिए क्या रखी है शर्त। दुबई ने भारत समेत कई अन्य देशों से आने वाले अपने निवासियों के लिए यात्रा प्रतिबंधों में ढील दे दी। इन लोगों को यूएई द्वारा स्वीकृत टीके की दोनों खुराक लेनी होगी। गल्फ न्यूज के मुताबिक दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन की सर्वोच्च समिति ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल को अपडेट करने की घोषणा की। भारत से दुबई आने वाले ऐसे यात्रियों को केवल वैध वीजा की आवश्यकता होगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई सरकार ने जिन चार टीकों को मान्यता दी है उसमें सिनोफार्मा, फाइजर बायोनटेक, स्पुतनिक वी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका शामिल है। कोरोना से मौत पर मुआवजे से इनकार पर कांग्रेस ने घेरा, कहा चुल्लू भर पानी में डूब मरो सरकार। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कोरोना मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहायता राशि देने से इनकार करने को कांग्रेस ने शर्मनाक कहा। साथ ही कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट करते हुए इस मुद्दे पर चुल्लू भर पानी में डूब मरो भाजपा सरकार तक कह डाला। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को शपथ पत्र देकर कहा कि केंद्र के पास कोरोना महामारी से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का पैसा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा करने के नाम पर 6 करोड़ का घोटाला, खरगोन पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। एमपी के खरगोन में पुलिस ने पोस्ट ऑफिस में करोड़ों का घोटाला करने वाले 2 आरोपियों को पकड़ा। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं की फर्जी पासबुक बनाकर आरोपी लोगों से पैसे ऐंठते थे। दोनों ने करीब 6 करोड़ रुपए का घोटाला किया। पुलिस ने पोस्ट ऑफिस के दोनों आरोपी एजेंट से बुलेरो, ट्रैक्टर और कई डाकघर की पासबुक की जब्त की है। एजेंट्स ने पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों से मिली भगत कर करीब 150 से अधिक लोगों से धोखा किया है। 217 रनों पर सिमटी टीम इंडिया, जेमिसन ने झटके 5 विकेट। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला साउथैम्पटन से खेला जा रहा है। तीसरे दिन टीम इंडिया ने 217 रन बनाए। न्यूजीलैंड की ओर से काइल जेमिसन ने 5 विकेट लिए। भारतीय बल्लेबाजों में विराट कोहली 44 रन और अंजिक्य रहाणे 49 रन के अलावा कोई भी बल्लेबाज पिच पर टिक नहीं सका। वैसे रविवार को तीसरे दिन का खेल आउटफील्ड की वजह से थोड़ी देर से शुरू हुआ। कैनरा बैंक दे रहा है कम इंटरेस्ट रेट पर गोल्ड लोन। जब हम कभी वित्तीय संकट में होते हैं तो ऐसे वक्त में घर में रखा सोना बहुत काम आता है। कई लोग इसे ज्वेलर्स के पास गिरवी रखकर पैसे उधार लेते हैं, मगर बैंक भी सोने पर लोन देते हैं, साथ ही बैंक सुरक्षा की गारंटी भी देते हैं। इसी तरह कैनरा बैंक भी सोने पर लोन दे रहा है। सोने पर मिलने वाले लोन की राशि आपके गोल्ड की शुद्धता पर निर्भर करती है। कैनरा बैंक गोल्ड पर अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन देता है। दिल्ली में आज से इन पाबंदियों पर भी मिलेगी छूट, बार, रेस्तरां और पार्क में जा सकेंगे लोग। सरकार ने भी कोरोना कर्फ्यू में ढील देनी शुरू कर दी। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत मिल गई। पिछले हफ्ते भी सरकार ने रियायतें दी हैं। इस बार दिल्ली में कोविड प्रतिबंधों में ढील 28 जून की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी गई। रेस्टोरेंट बार में बैठने की क्षमता 50% है। रेस्टोरेंट सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा और बार दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक खुलेंगे। सभी बाजार और मॉल को सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। इस बार पब्लिक पार्क और गार्डन भी खोल सकेंगे। 21 जून से राजधानी में पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत मिल गई है। वही बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत, 24 घंटे में 110 पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना के 110 नए पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,79,174 हो गई। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 8,737 पहुंच गई। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज एमपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।